जय गुरुदेव स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंप्यूटर इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स नेम। सो लेट्स वी स्टार्ट नाउ। एवरीवन नो अबाउट चार्ल्स बेबेज एंड लेडी एडा लवलेस एंड लॉट्स ऑफ पर्सन्स हु गिव हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर डेवलपिंग कंप्यूटर सिस्टम। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उनको डेवलप करने में काफ़ी सारा इनका योगदान है। सो हम इन सभी को स्टडी करेंगे वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट नाउ। फादर ऑफ कंप्यूटर, यू नो हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर? यस, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज नॉन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। वाई वी से हिम फादर ऑफ कंप्यूटर, हमने फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? देखिए, ही डेवलप डिफरेंस इंजन इन 1822 एंड एनालिटिकल इंजन इन 1833। देखिए, जो एनालिटिकल इंजन है वो आज की जो कंप्यूटर है इसमें आप देखते हैं इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है एंड मेमोरी यूनिट है। ऐसे ही इसमें भी कुछ यूनिट्स यूज किए जाते थे, स्टोरेज यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मिल। कैलकुलेशन के लिए हम मिल यूनिट का यूज करते थे एंड कंट्रोल यूनिट, जो कि आज का जो कंप्यूटर है वो इसी फंक्शंस पर बेस है। मींस इसमें भी आपने देखा होगा इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट यूनिट अवेलेबल है, स्टोरेज यूनिट भी अवेलेबल है। तो जो आज के कंप्यूटर का बेस है वो यही एनालिटिकल इंजन है। That's why we are saying, we always say Charles Babbage is the father of computer. जो ये चार्ल्स बेबेज हैं ये फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन का एनालिटिकल इंजन डिफरेंस इंजन को डेवलप किया था। That's why he is known as a father of computer. Next, you know about Lady Ada Lovelace? फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, सी इज नॉन एज अ फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। वाई? देखो, जो चार्ल्स बेबेज ने एलेक्ट्रिकल इंजन डेवलप किया था उसके लिए फर्स्ट प्रोग्राम इन्हीं ने लिखा था, दैट्स वाई सी इज नॉन एज अ फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर। एंड यू नो अबाउट आर्यभट्ट? आर्यभट्ट ने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया था। यस, आर्यभट्ट वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस, और ही इन्वेंटेड द जीरो। इन्होंने ही जीरो का कॉन्सेप्ट दिया था, और यदि जीरो नहीं होता तो कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का जो बेसिक लैंग्वेज है वो जीरो एंड वन के फॉर्म में, बाइनरी लैंग्वेज है और जीरो एंड वन के फॉर्म को अंडरस्टैंड करती है, दैट्स वाई। ओके, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, that is 0 and 1. Next, you know about Douglas Carl Engelbart? He invented computer mouse. Computer mouse was invented by Douglas Carl Engelbart. Kab invent kiya tha? Invented in 1960. एंड पेटेंट कब किया था? 17 नवंबर 1970। ओके, ये माउस से इस टाइप से दिखाई देता था बेटा, ये लकड़ी का बना हुआ था। नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट पॉल एलन एंड विल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं ये। पॉल एलन एंड विल गेट्स आर फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। He founded Microsoft company in 4th April 1975 in New Mexico, US. Okay? ये दोनों co-founder हैं बेटा, Paul Allen and Bill Gates. You know about Steve Jobs? Steve Jobs? Steve Paul Jobs. And second one, Steve Wozniak. And
रोनाल्ड रैनी, ये कौन है? को फाउंडर है एप्पल कंपनी के। इन्होंने कब फाउंड किया था एप्पल कंपनी? ही फाउंडेड एप्पल कंपनी इन 1 अप्रैल 1976। नेक्स्ट, यू नो अबाउट लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, ये भी को फाउंडर हैं इसके, गूगल के मोस्ट फेमस सर्च इंजन ऑन इंटरनेट। एवरीवन नो अबाउट इट, जो मोस्ट फेमस सर्च इंजन है वो गूगल है और इसके फाउंडर हैं लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन। कब फाउंड किया था? 4 सितंबर 1998 ही फाउंडेड गूगल। जेरी यंग, यू नो अबाउट जेरी यंग एंड वन मोर डेविड फिलो, ही इज अ फाउंडर ऑफ याहू। व्हेन ही फाउंडेड? January 1994। ओके, यू नो पेज एंड सर्गे ब्रिन, फाउंडर ऑफ गूगल, ही फाउंडेड गूगल 4 सितंबर 1998। एंड जेरी यंग एंड डेविड फिलो, ही फाउंडेड याहू इन 1994, January 1994। नेक्स्ट, यू नो अबाउट टिम बर्नर्स-ली, ही इन्वेंटेड द WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। टिमोथी जॉन बर्नर्स-ली, इनका जो फुल नेम है टिमोथी जॉन बर्नर्स-ली। नेक्स्ट, विनोद धाम, ही इज नोन एज अ फादर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू डेवलपमेंट ऑफ इंटेल्स पेंटियम माइक्रोप्रोसेसर। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था डेवलप करने के लिए पेंटियम प्रोसेसर को, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो पेंटियम प्रोसेसर, जो पेंटियम प्रोसेसर है उसको विनोद धाम ने डेवलप किया था। दैट्स वाई ही इज नोन एज अ फादर ऑफ पेंटियम प्रोसेसर।